Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। हम प्रॉफिट एंड लॉस की पहले चार क्लास स्टडी कर चुके हैं। पांचवी क्लास में हम जो है भाग वाला टाइप पढ़ चुके हैं। अब हम उसी भाग वाले टाइप पर आधारित आज की क्लास में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। उन क्वेश्चनों को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाग वाला टाइप और कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आज की क्लास के जो क्वेश्चन है उन पर आप बस प्रैक्टिस कर लिए और कोई भी परेशानी आपको इस टाइप में नहीं आनी चाहिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपको बोर्ड पर दिखने लग गया होगा। देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखने लग गया होगा। क्वेश्चन को मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 278 वस्तुओं का क्रय मूल्य 99,000 है, कुल वस्तुओं के 1/3 भाग को 20% लाभ पर, कुल वस्तुओं के 2/5 भाग को 2x% हानि पर तथा बची हुई वस्तुओं को 2x+10% लाभ पर बेचा गया। यदि पूरे सौदे में 8% लाभ हुआ तो एक्स का मान ज्ञात करें। ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। क्यों क्यों करेंगे? क्योंकि मैं पहले आपको ये टाइप पढ़ा चुका हूं, तो आपको कोई भी परेशानी इसमें नहीं आनी चाहिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास के पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है 278 वस्तुएं 99,000 रुपए में खरीदी। 278 आर्टिकल्स जो है वो खरीदे हैं 99,000 रुपए में। ठीक है, 99,000 रुपए में किसी व्यक्ति ने 278 वस्तुएं खरीदी हैं। अब इस टाइप के मुताबिक ये 278 वस्तुएं अलग अलग भागों में बेची जा रही होंगी। तो किस हिसाब से बेची जा रही हैं? 1/3 भाग को 20% लाभ पर। 1/3 भाग को बेचा जा रहा है 20% के लाभ पर। 2/5 आर्टिकलों को, कुल वस्तुओं के 2/5 आर्टिकलों को बेचा जा रहा है 2x% की हानि पर। और उसके बाद जो शेष बचे हैं रिमेनिंग आर्टिकलों को सेल किया जा रहा है 2x+10% के लाभ पर। ये इस प्रकार से आर्टिकलों को सेल किया जा रहा है और पूरे सौदे में जो लाभ परसेंट है वो हमें उसने दिया है 8%। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। तो 1/3 ये जो 278 आर्टिकल है इसको 99,000 में बेचने के बाद इनमें से 1/3 को 20% लाभ पर बेचा गया, इनमें से 2/5 को 2x% और रिमेनिंग को इतने परसेंट पर, और टोटल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट 8% हमको पता है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कभी भी हमें आंसर परसेंटेज में पूछा जाए तो ऊपर वाले जो 278 और 99,000 है इसका हमें क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई भी प्रयोग नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये काट देना है 278 और इसका क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई प्रयोग नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रेशियो बनाना है कौन से भाग को किस प्रकार से बेचा गया है। रेशियो बनाते समय मैंने आपको बताया था इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भाग हैं उनमें नीचे वाली जो वैल्यूज हैं उनसे वो वैल्यू कटनी चाहिए। तो 3 और 5 का मल्टीपल अगर मैं 15 मान लूं टोटल आर्टिकलों का रेशियो, तो 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो दोनों का मल्टीपल मान लेता हूं मैं, तो टोटल आर्टिकलों का रेशियो मान लेता हूं 15। 15 में से 1/3, तो 1/3 कितना हो जाएगा 5। फिर 15 का 2/5, तो 2/5 कितना हो जाएगा, 2/5 निकालेंगे तो 15 का 2/5 निकालेंगे तो 6 और 5 11 आर्टिकल सेल हो जाएंगे, तो बाकी कितने बचेंगे 4। तो टोटल आर्टिकल अगर 15 होंगे तो 5 सेल हो जाएंगे 20% लाभ पर, 6 सेल हो जाएंगे 2x% हानि पर और बाकी के जो शेष बचे वो 2x+10% के लाभ पर सेल हो जाएंगे। अब देख लो किस वाले भाग को कितने परसेंट लाभ हानि पर। तो टोटल व्यापार में 8% का लाभ हुआ है और टोटल रेशियो है 15। टोटल 15 भागों पर लाभ हुआ है 8% का, तो 15 भागों पर 8% का लाभ निकालेंगे तो टोटल लाभ हो जाएगा 15×8=120%। उसके बाद जो 5 है इसको 20% के लाभ पर बेचा गया है,
तो 5:20 को 20% के लाभ पर बेचा जाएगा। तो 1:20 में 20, 5 में तो 20 मल्टीप्लाई 5 इसकल टू यहाँ से 100% लाभ हो जाएगा। उसके बाद जो 6 है इसको 2x% की हानि पर बेचा गया है, तो यहाँ पर 2x% का लॉस हो जाएगा 6 पर, तो ये हो जाएगा 6 × 12x%। बाकी का जो 4 बचा इसको 2x+10% के लाभ पर बेचा गया है, तो इसको बेचा गया है लाभ पर 2x+10% के। तो यहां से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 8x, 8x+40%, ये हो जाएगा, इतने परसेंट का प्रॉफिट हो गया। अब क्या करना है, अब हमें पता है कि टोटल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट 120% लाभ है और ये अलग अलग भागों पर लाभ हानि है, तो इन सभी को अगर हम जोड़ दें तो कुल ट्रांजेक्शन में लाभ के बराबर होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब 120 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए 100 और प्लस 40 कितना हो जाएगा 140, और 12x माइनस का प्लस का 8x तो माइनस का 4x, यहां से 4x को इधर लेके आएंगे, 120 को इधर लेके जाएंगे, तो 4x की वैल्यू 20 आ जाएगी, x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 5% x का मान हो जाएगा। यही हमसे पूछा था, x की वैल्यू बताइए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5%। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भाग बनाए, भाग बनाने के बाद जितना जितना परसेंट लाभ हानि दिया था भाग में मल्टीप्लाई कर दिया और कैलकुलेट कर लिया। तो जो मैंने आपको पीछे क्लास में बताया था सेम वही तरीका है, कुछ भी अलग नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। आपको बोर्ड पे दिखने लग गया होगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3600 रुपए में खरीदता है, उन वस्तुओं का 36% भाग वह 3x% लाभ पर बेचता है, शेष वस्तुओं का 50% 20% लाभ पर बेचता है, बची हुई वस्तुओं को 5% हानि पर बेचता है, यदि उसने कुल 4320 रुपए की बिक्री की तो एक्स का मान बताइए। ये आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे। देखो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन को, ये जो आज के क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आप इनको करके देखें भाई, आप जब तक अपना दिमाग नहीं चलाएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। देखो आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3600 में खरीदता है, मतलब आर्टिकलों की जो टोटल खरीद है वो 3600 रुपए की है, जैसे वो कह रहा है वही करता जा रहा हूं मैं। उसके बाद वो 36% वस्तुओं को 3x% लाभ पर बेचता है, इनमें से 36% वस्तुओं को लाभ पर बेचता है 3x% के लाभ पर। उसके बाद शेष बची वस्तुओं की 50% वस्तुओं को, तो 50% आर्टिकल रिमेनिंग का 50% को बेचता है 20% के लाभ पर। उसके बाद जो रिमेनिंग बची शेष उनको बेच रहे हैं 5% की हानि पर, की हानि पर बेच रहा है, और टोटल सेलिंग प्राइस उसने हमें क्वेश्चन में दिया है 4320। अभी तक जो मैंने लिखा है वो सब मैं क्वेश्चन में से लिख रहा हूं, अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने क्वेश्चन से हाथ भी नहीं लगाया, ये समझ लो आप, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कुछ नहीं किया है, बस देखो चीजें दी हैं, कॉस्ट प्राइस दिया है 3600, फिर उनको अलग अलग भागों में बेचा गया और सेलिंग प्राइस दिया 4320। इसका मतलब यहां पे एक्स के टर्म में लाभ हानि दी है, तो एक्स का मान ही पूछा है क्वेश्चन में, तो इसके लिए हमें होल ट्रांजेक्शन का रिजल्ट पता होना चाहिए कि कुल व्यापार में कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। तो वह यहां पर क्या कुल व्यापार में लाभ हानि दी है, तो देखते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में तो दी थी, पहले वाले में, लेकिन इसमें नहीं दी, इसमें नहीं दी, तो इसका मतलब क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर उसने हमें लाभ हानि परसेंट नहीं दिया तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो दिया है, और जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है तो हम लाभ परसेंट हानि परसेंट निकाल सकते हैं। तो लाभ परसेंट और हानि परसेंट कैसे निकालेंगे भैया, तो सीपी टोटल 3600 का है, सेलिंग प्राइस 4320 का है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, मतलब कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा है, तो इसका मतलब लाभ होगा। लाभ कितने परसेंट का होगा ये निकालेंगे, तो पहले देखेंगे लाभ कितने रुपए का है, 4320 में से 36 को माइनस करेंगे तो इसका मतलब लाभ है 720 रुपए का। कितने पर, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, 3600 पर और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 36 से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब लाभ परसेंट आ जाएगा हमारा 20%, कुल व्यापार में उसे 20% लाभ हुआ है। कुल व्यापार का रिजल्ट पता लग गया, भागों पर अलग अलग लाभ एक्स के टर्म में पता लग गया, अब हम एक्स का मान निकाल सकते हैं। और एक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम हमें रेशियो निकालना पड़ेगा कि कौन से भाग को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचा गया है। तो रेशियो बनाते हैं 36%, तो 36% का सबसे पहले फ्रैक्शन बना लो भाई, 36% का फ्रैक्शन कितना होता है, 9/25, 9/25, इसका मतलब 25 में से 9 भाग सेल गए 3x% लाभ पर, तो मैं टोटल मान लेता हूं 25,
25 में से 9 रेशियो सेल किए 3x% के लाभ पर, फिर कितना बचा 16, फिर उसका 50%, उसका आधा 20% के लाभ पर, तो 16 का आधा कितना हो गया 8, तो 9 8 17 चला गया, तो शेष कितना बचा 8। अब देख लो कितने कितने परसेंट लाभ हानि पर बेचा है, तो टोटल 25 रेशियो और टोटल लाभ 20%, तो इसका मतलब होल ट्रांजेक्शन में 20% का लाभ हुआ है और टोटल रेशियो 25 है, तो 25 रेशियो पर 20% से तो टोटल हो जाएगा 500%। बस यही तो करते हैं, रेशियो देखते हैं कितना परसेंट लाभ हानि, ये देखते हैं 9 को कितने परसेंट लाभ हानि पर बेचा है, तो 3x% के लाभ पर, तो 9 रेशियो पर हमारा 3x% का लाभ है, तो यहां से हमें टोटल लाभ हो जाएगा 27x% का। प्लस है तो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाभ ही होगा, अगर हानि होगी तो मैं उसमें माइनस लगा दूंगा। 50% को 20% के लाभ पर, ये 8 रेशियो को बेचा गया है भैया 20% के लाभ पर, तो 20 × 8 यहां से भी लाभ हो जाएगा 160% का। बाकी के कितने बचे 8, ये 8 को x+5% हानि पर बेचा गया है, तो इसको बेचा गया है लॉस पर, लॉस पर बेचा गया है, और कितना माइनस का x+5%। ठीक है, तो माइनस x+5% में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से लॉस कितना हो जाएगा 8x+40%। ठीक है भैया, ये हो गया। अब यहां से हमें पता लग गया कि अलग अलग भागों पर कितना लाभ हानि है और टोटल कितना है, तो टोटल जो वैल्यू 500 है, टोटल जो वैल्यू 500 है वो बराबर होनी चाहिए 27x+160 और ये माइनस का 40, तो सीधा घटा लेते हैं 160 प्लस का और माइनस का 40, तो कितना आ जाएगा प्लस का 120, और यहां करेंगे तो ये 8x माइनस का और 27x प्लस का, तो इसको भी घटा लेते हैं सीधा, 27x में से 8x को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19x, 19x प्लस 120, तो यहां से 19x का मान निकालेंगे तो 120 इधर माइनस का हो जाएगा, 500 में से 120 को माइनस करेंगे तो 380 हो जाएगा, x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 380/19 × 38, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, x का ही मान उसने पूछा था 20%। तो सबसे पहले क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बनाना है हमको रेशियो, और रेशियो बनाने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें देखना है कि कौन सी वाली वैल्यू को कितने परसेंट लाभ हानि पर बेचा है। यहां पर होल ट्रांजेक्शन का रिजल्ट निकालने के लिए सीपीएसपी दिया था, इसलिए मैंने पहले होल ट्रांजेक्शन का रिजल्ट निकाल लिया 20% लाभ, फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लिया, जैसे पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, आपको बोर्ड पर दिखने लग गया होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मैं क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने 100 पेन तथा 500 पेंसिल 6000 रुपए में खरीदी, उसने 40% पेन को 20% लाभ पर, बचे हुए पेन को x% लाभ पर बेचा, उसने 50% पेंसिल को 50% लाभ पर, बची हुई पेंसिल को y% लाभ पर बेचा, कुल बिक्री होने पर दुकानदार को 8400 रुपए विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ, यदि उसका पेंसिल पर 35% लाभ हुआ था तो x और y का अनुपात ज्ञात करें। ये आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें, जब तक आपको क्वेश्चन दिख रहा है तब तक करने की कोशिश करें, जैसे ही प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आपको दिखता है आप कॉपी पेन लेके उसको करने की कोशिश किया करो, इतना टाइम आपको इसलिए दिया जाता है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, इतने टाइम में आप उसको करके पढ़ के क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो, क्योंकि जब तक आप अपना माइंड नहीं चलाएंगे, जब तक आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं देखेंगे तब तक आपकी समझ में क्वेश्चन कम आएगा। मैं जैसे आपने क्वेश्चन देखा, मैंने सॉल्यूशन कराया, आपने सॉल्यूशन को देखा, तो आपको क्वेश्चनों को पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ फंस रहे हैं। आपको क्वेश्चन में पहले ये पता होना चाहिए, भाई जब हमें समस्या का ही नहीं पता होगा तो समाधान कैसे करेंगे, इसलिए पहले समस्या को जानो। समस्या को जानने का मतलब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको कहाँ समस्या आ रही है, तब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और वो वर्क भी करेगा, आपके माइंड में भी ज्यादा समय तक रहेगा। और अगर आप सीधा मैं जो कराता जा रहा हूँ वो देखते चलेंगे तो फिर आपके माइंड में चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएंगी और आपको अपनी समस्याओं का पता नहीं लगेगा, आपको आप में क्या कमी है वो आपको पता नहीं लगेगा। तो इसलिए पहले आप क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो। तो देखो करेंगे इस क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन है और मैं बता देता हूँ, या आपको अगर जैसे मान के चलो ये पीपीटी है दिखती है तो आप उसको पहले जो वीडियो है उसको पोज कर लिया करो, क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिया करो, नहीं आता तो प्ले कर लिया करो, ऐसे कर लिया करो। पढ़ने का तरीका बेहतरीन बनाओ, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ो, ऑनलाइन में भी बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ो, तभी काम चलेगा, पूरे मन से पूरे दिल से तभी काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखो भाई आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने भाई 100 पेन खरीदे, जैसे क्वेश्चन में कह रहा हूं मैं वैसे ही करूंगा, एक व्यक्ति ने 100 पेन खरीदे
और 500 उसने पेंसिल खरीदी। और 100 पेन 500 पेंसिल खरीदने के बाद उनको 6000 रुपए में बेच दिए, 6000 रुपए में खरीदा है टोटल। टोटल 100 पेन और 500 पेंसिल उसने 6000 रुपए में खरीदी हैं। देखना जो क्वेश्चन मैं कह रहा वही कर रहा हूं। उसके बाद उसने कहा है कि 40% पेनों को, तो 40% पेन, तो 100 में से 40% पेन 40 हो जाएंगे, बाकी कितने बचेंगे, से 60 पेन बचेंगे और टोटल पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100, ठीक है। और 50% पेंसिलों को, मतलब आधी पेंसिल एक भाप पे बेची, आधी एक पे, तो रेशियो कितना हो जाएगा भाई, रेशियो ही तो बनाना होता है, हमें तो रेशियो से मतलब होता है, आर्टिकलों की संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो 1:1:2 ऐसे दो प्रकार से अलग अलग बेची गई हैं। ऐसे यहाँ पे रेशियो बना लो तो 20 से ये कैंसिल हो जाएगा, 20 से 40 आपका कैंसिल हो जाएगा दो बार, 20 से 60 आपका कैंसिल हो जाएगा तीन बार, और 20 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा पांच बार। तो 5 रेशियो पेन है जिनमें से 2 रेशियो अलग प्रॉफिट लाभ पर बेचे गए हैं, 3 अलग पर बेची गई हैं। ऐसी पेंसिल एक अलग लाभ हानि पर बेची गए, एक अलग पर, और टोटल 2 है। और टोटल उसने कहा है कि उसे इनको बेचने के बाद 8400 रुपए मिले, इसका मतलब 6000 रुपए की खरीद की चीजों को 8400 रुपए में बेचा है। ये क्वेश्चन में इतना हमें दिया है, उसके अलावा क्या दिया है, उसके अलावा हमें कुछ आर्टिकलों पर होने वाला लाभ और हानि भी दी है। वो कितना कितना दिया है वो मैं आपको बता देता हूं, कितना कितना दिया है देखो, देख लेते हैं। 40% पेंसिलों को इसने 20% लाभ पर बेचा है, जो ये पेंसिल, सॉरी 40% पेनों को, ये जो पेन है इसको इसने 20% लाभ पर बेचा है, ये हमें पता है। बाकी के सेस को इसने X% लाभ पर बेचा, ये भी हमें पता है। जो पता है वो चीजें क्वेश्चन से मैं लिख रहा हूं। उसके अलावा यहां पर जो ये सेस हैं इनको Y% लाभ पर बेचा है, उसने दिया है। और ये जो इधर आधी है 50%, इनको 50% लाभ पर बेचा है, ये दिया है। उसके अलावा पेंसिलों पर होने वाला कुल लाभ परसेंट भी दिया है, कुल लाभ परसेंट, जो टोटल पेंसिल है इन पर होने वाला लाभ परसेंट भी दिया है 35%। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में उसने हमसे एक्स और वाई का रेशियो पूछा है भाई, इस क्वेश्चन में हमसे उसने एक्स और वाई का रेशियो पूछा है। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात हमें यहाँ 20% पता है या एक्स पता है, अगर ये भी पता लग जाए कि पेनों पर कुल लाभ कितना हुआ तो मैं यहाँ से एक्स का मान निकाल सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर हमें इस वाले भाग पर लाभ पता है, इस वाले भाग पर वाई परसेंट पता है, इस वाले भाग पर भी पता है, इसका मतलब यहाँ से वाई का मान बड़ी आसानी से आ सकता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से वाई का मान निकाल लूँ, तो 1 × 50, तो यहाँ से कितना हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 50% लाभ। बात को बिल्कुल आराम से समझना भाई, ऐसे ही एक भाग पर वाई परसेंट लाभ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा वाई परसेंट, और यहाँ पर 35 × 2 टोटल कितना हो जाएगा 70%, टोटल 70%, यहाँ से 50 + y, तो 50 + y 70% के बराबर होना चाहिए। तो y का मान निकालेंगे तो 70 - 50 = y की वैल्यू आ जाएगी 20%। भाई y का मान निकालने के लिए कैसे, कुल लाभ पेंसिलों पर 70% हो रहा है, जहां पर 50% यहां से कमा रहा है, तो बाकी का 20% कहां से कमाएगा, यहां से। तो y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब उसके बाद हमें x का मान निकालना है, x, लेकिन x का मान निकालने के लिए हमें पहले यह पता चलना चाहिए कि पेनों पर कुल लाभ कितना हुआ है, यह पता लगना चाहिए। अगर यहां पर यह पेनों पर कुल लाभ नहीं पता होगा तब तक हम x का मान नहीं निकाल सकते हैं, तब तक हम x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये वाला पता लगना चाहिए फिर, और ये वाला कब पता लगेगा, जब हमें 35% पेंसिलों पर लाभ पता है और कुल लाभ पता हो तो हम पेनों पर लाभ निकाल सकते हैं। एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई है, क्वेश्चन को आगे कैसे अप्रोच करना है ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही आपको समझ के पता लगेगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं उस बात को, मैंने पहले ही बताया रटना कुछ नहीं है, कोई ट्रिक नहीं रटनी, कुछ नहीं रटना, बस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो मैंने यहां पर वाई का मान क्यों निकाल लिया, क्योंकि मुझे सारी चीजें पता थी इसलिए मैंने निकाल लिया, लेकिन यहां पर मुझे क्या नहीं पता है, मुझे यहां पर पेनों पर होने वाला लाभ नहीं पता है। अगर वो मुझे पता होता तो मैं एक्स का मान निकाल लेता। तो पेनों पर होने वाला लाभ में निकालना पड़ेगा, पेंसिलों पर होने वाला लाभ मुझे पता है 35, और कुल लाभ मैं यहां से निकाल सकता हूं क्योंकि 6000 की खरीद है, 8400 की बिक्री है, तो कुल लाभ परसेंट पता है, पेंसिलों पर पता है, तो पेनों पर निकाल सकता हूं। तो पहले तो कुल लाभ परसेंट निकालो, तो कुल लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, 6000 की खरीद 8400 की बिक्री, तो लाभ कितने का हुआ है, तो आप कहेंगे सर 2400 का लाभ हुआ है।
कितने पर हुआ है, तो आप कहेंगे सर 6000 पर हुआ है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज बनाने के लिए, तो इसका मतलब लाभ आ गया भाई ओवरऑल 40% का, ओवरऑल लाभ आ गया 40% का, मतलब कुल लाभ 40% है। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, अब हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, हमें कुल लाभ पता लग गया 40%, हमें पता लग गया कुल लाभ 40% और पेंसिलों पर 35%, तो पेनों पर निकाल लो। तो पहले तो आर्टिकलों की संख्या का रेशियो लो, पेन कितना है 1:1, पेंसिल कितनी है 5:5, तो टोटल आर्टिकल कितने हो जाएंगे 6:6, टोटल 6:6 पर कितना लाभ है, तो आप कहेंगे सर 40% लाभ है। आपसे मैं कहूं बताइए पेंसिलों पर कितना लाभ है, तो आप कहेंगे सर 35% लाभ है, 35%, तो यहां से कितना लाभ आ गया, तो 5 25 5 2 5 3 15 2 175%, और यहां से कितना हो गया 240, टोटल 240% होना चाहिए, जहां पर 175% पेंसिलों से हुआ है तो बाकी होगा पेनों से, तो पेनों का निकालेंगे तो 240 में से 175 को माइनस कर देंगे, तो पेनों पर होने वाला लाभ आ जाएगा हमारा 65%। अब जब पेनों पर होने वाला लाभ परसेंट हमें पता चल गया, तो पेनों पर होने वाला कुल लाभ परसेंट पता चल गया, तो यहां से एक्स का मान भी निकाल सकते हैं, तो एक्स का मान भी यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका मतलब 5:1 पर पेनों पर 65% का लाभ हुआ है। टोटल लाभ निकालेंगे तो 5 × 5 25 2 3 325% हो जाएगा, 325% हो जाएगा। ये 325% पेनों पर होने वाला कुल लाभ है, और ये अलग अलग भागों पर लाभ है, तो इसका मतलब इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब 40+3x की वैल्यू बराबर आ जाएगी 325 के, 40 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू बराबर हो जाएगी 285 की, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 285/3, 3 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो 3 से 9 बार कट जाएगा, 95 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 95%, x की वैल्यू आ गई 95%, और y की वैल्यू हम पहले ही निकाल सकते हैं 20%, y की वैल्यू तो हमने स्टार्टिंग में ही निकाल दी, x की वैल्यू के लिए हमने इतनी मेहनत की है, तो x आ गया 95%, y आ गया 20%। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है x ratio y, हमसे उसने पूछा है भैया x ratio y कितना होगा, x ratio y, और निकालने तो x ratio y निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 95, x की वैल्यू कितनी है 95, और y की वैल्यू कितनी है 20, दोनों को करेंगे 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो x ratio y आ जाएगा 19:19:4, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, नीचे स्पेस नहीं है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x ratio y हमारा निकल के आ जाएगा 19:4, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार और देख लेंगे, एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ में जल्दी जल्दी, पेनों पर होने वाला, पेनों को भी अलग अलग भागों में बेचा गया है, पेंसिलों को भी अलग अलग भागों में बेचा गया है, और टोटल होने वाला लाभ परसेंट हमने निकाल लिया था 40%, फिर उसके बाद यहां पर इसको भाग को 20% लाभ पर बेचा था, इसको एक्स पर, और इसका हमें पता नहीं था, अगर इसका हमें पहले ही पता होता तो हम एक्स का मान यहीं से निकाल लेते, लेकिन वाई के केस में पता था, यहां पे इस भाग पर पता था, इस भाग पर वाई पता था, इस भाग पर हमें पता था, तो यहां से वाई का मान तो डायरेक्ट निकल के आ गया, लेकिन एक्स के मान के लिए हमें पेनों पर होने वाला लाभ परसेंट पता होना चाहिए, तो वो हम कहां से निकाला, हमने वो हमने यहां से निकाला कि कुल लाभ परसेंट हमें पता था, और पेंसिलों से कितना लाभ कमाया ये हमें पता था, तो पेनों का निकाल सकते हैं, वो हमने यहां से निकाल लिया 65%, 65% फिर तो क्वेश्चन आसान हो गया, 65% ये x की वैल्यू यहां से निकाल ली, x की वैल्यू 95%, y की वैल्यू 20%, हमने दोनों का रेशियो ले लिया, तो रेशियो आ गया हमारा 19:4। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं जब चीजों को अलग अलग भागों में बेचा जाता है। चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखने लग गया होगा, मैं बता देता हूं पढ़ के क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति 150 वस्तुएं रुपए 27,000 में खरीदता है, 60 वस्तुओं को वह 2/7x% लाभ पर बेचता है, कुल वस्तुओं का 4/7 भाग वह 20% लाभ पर बेचता है, और बची हुई वस्तुओं को x² + 18% हानि पर बेचता है, यदि कुल बिक्री रुपए 29,700 हुई हो तो
एक्स का मान ज्ञात करिए। अब क्वेश्चनों को थोड़ा सा स्पीड में करने की प्रैक्टिस डालेंगे, सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन को, पढ़ लिया होगा आपने। अब मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलता हूं। तो देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने पीछे पढ़े हैं सेम उसी प्रकार का है, कुछ भी इसमें अलग तोफ नहीं है। देखो 150 वस्तुओं को 27,000 में खरीदता है, 150 वस्तुओं की कुल खरीद दी है 27,000। अब मैं केवल क्वेश्चन को सीधा सीधा सॉल्व करता चलूंगा। 27,000 दिया, उसके बाद अलग अलग भागों में बेचा है। उसने कहा 150 वस्तुओं की ये खरीद जो है, 27,000 रुपए की जो खरीद है वो 150 आर्टिकल की है, वस्तुओं की संख्या दी है। आर्टिकल्स कितने हैं भाई? 150। इन 150 आर्टिकलों में से उसने 60 आर्टिकलों को अलग बेचा है 2/7 एक्स परसेंट के लाभ पर, ठीक है। ये बेचा है 2/7 के लाभ पर, ठीक है, 60 आर्टिकलों को। उसके बाद वो कह रहा है कुल वस्तुओं के 4/7 भाग को, 4/7 को उसने अलग बेचा है 20% के लाभ पर। उसके बाद जो वस्तुएं बची हुई वस्तुएं हैं, रिमेनिंग जो आर्टिकल हैं, उनको इसने अलग सेल किया है एक्स स्क्वायर प्लस 18% के लॉस पर, हानि पर अलग से सेल किया है। और उसने कुल बिक्री टोटल सेलिंग प्राइस दिया है, टोटल सेलिंग प्राइस दिया है उसने 29,700 रुपए का, 29,700 रुपए का टोटल सेलिंग प्राइस उसने हमको दिया है। और उसने हमसे एक्स की वैल्यू पूछी है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है हमारे लिए, जब क्वेश्चन हमारे समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो यहां पर देखो टोटल आर्टिकल 150 खरीदे हैं 27,000 में, और उनको अलग अलग भागों में बेचा गया है, बस ये है। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है भाग बनाना। सबसे पहले हमें भाग बनाने पड़ेंगे। तो 60 आर्टिकल, 150 आर्टिकल है, 150 आर्टिकल हैं, 150 में से 60 आर्टिकल चले गए 90, लेकिन 90 का 4/7 निकालेंगे तो हमें परेशानी होगी, 4/7 निकालने में परेशानी होगी। और आर्टिकलों की संख्या, क्योंकि भाई देखो एक्स जो है वो एक्स क्या है, ये परसेंटेज में ही तो एक मान है, और हमसे परसेंटेज की वैल्यू पूछी है, तो आर्टिकलों की संख्या हम अपनी सुविधा के हिसाब से भी मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ से 150 को ही लेके चलें, और अगर 150 को भी लेके चलेंगे तो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले 150 को लेके चलते हैं, बाद में कैंसिल कर लेंगे। तो 150 में से 60 आर्टिकल सेल हो गए, बाकी कितने बचे भाई? तो बाकी बचे 90। फिर कह रहा है ये जो 4/7 है, ये कुल का कह रहा है, कुल का कह रहा है कि रिमेनिंग का ये ध्यान रखें, वस्तुओं का मतलब टोटल आर्टिकलों का 150 का 4/7। तो ये कह रहा है 150 का 4/7 ये कह रहा है। उसके बाद फिर उसके बाद कह रहा है रिमेनिंग आर्टिकल, तो पहले हम ये निकाल लें फिर रिमेनिंग बाद में निकाल लेंगे। तो यहां से भाई नीचे 7 आ रहा है, ये 7 नहीं आना चाहिए, तो 7 नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए हम इसको काट लेते हैं। पहले 0 0 0 कैंसिल कर लें, 3 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 5 बार 3 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 बार 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार। अब 7 को और हटाना है तो 7 का मल्टीप्लाई और कर दें, तो 7 मल्टीप्लाई 5 35 आर्टिकल, 7 दूनी 14 और 5 चौक 20, भाई 20 बचेगा, 7 दूनी 14 हो जाएंगे, टोटल 35 आर्टिकल, 35 आर्टिकलों में से 20 और 14 34 सेल हो गए, तो बचे कितने? तो आप कहेंगे सर एक आर्टिकल बचा, एक रेशियो। अब ये रेशियो हमारा फाइंड आउट हो गया, रेशियो हमारा फाइंड आउट हो गया, बस रेशियो बनाना। सबसे पहले इस भाग वाले टाइप में जब वस्तुओं को अलग अलग भागों में बेचा जाता है तो हमारा काम है रेशियो बनाना, वो मैंने बना लिया। 150 में से 60 चले गए थे, उसके बाद उसने 150 का ही 4/7 दिया था तो मैंने कैंसिल कर लिया, यहाँ 5 to 5 आया। उसके बाद नीचे से 7 को हटाना था तो सब में मैंने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, और ये जो 5 × 20 है, यहाँ तो 7 नीचे है तो 7 से 7 कट जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 और 14 34 आर्टिकल सेल हो गए 35 में से, तो बचा कितना? एक आर्टिकल। अब देख लो किस आर्टिकल को कितने परसेंट लाभ हानि पर। तो टोटल लाभ हानि हमको पता होनी चाहिए, एक्स का मान निकालने के लिए शुरू से ही क्वेश्चन करते आ रहे हैं, उसके लिए हमें टोटल लाभ हानि पता नहीं है तो पहले निकालनी पड़ेगी। कैसे? सीपी खरीद है 27,000 की, विक्री कितनी है 29,700 की, तो कितने का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है भाई, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो लाभ परसेंट निकालेंगे, तो लाभ कितने का हो रहा है, तो 29,700 और 27,000, तो 2,700 मतलब 2,700 का लाभ हो रहा है। और हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करते हैं 27,000 पर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो ये कितना हो गया, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 27 से 10, इसका मतलब पूरे ट्रांजेक्शन में 10% का लाभ हो रहा है, होल ट्रांजेक्शन में 10% का लाभ हो रहा है, तो होल ट्रांजेक्शन में 10% का लाभ हो रहा है, तो 35 रेशियो टोटल ट्रांजेक्शन का
रेशियो है, तो इसका मतलब टोटल लाभ चाहिए हमें 350%। इन तीनों भागों से टोटल 350, जिसमें से ऊपर वाले जो 60 आर्टिकल हैं वो 2/7x में बेचे गए हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2/7x का, तो यहां से कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 14, 4x% हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आगे 4/7 को 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो ये जो 20 रेशियो है इसको 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो 20 × 20 = 400% हो जाएगा। मैंने कोई भी साइन नहीं लगाया, इसका मतलब पॉजिटिव है, जहां हानि होगी वहां निगेटिव लगा दूंगा। और x² + 18% लॉस, ये लॉस है, ये लास्ट वाला जो है भाई, ये लास्ट वाला जो है ये लॉस है, जो एक भाग है इसको लॉस पर बेचा गया है, कितने पर बेचा गया, x² + 18% के, x² + 18% के लॉस पर बेचा गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करके। अब ये हमें समझ में आ गया, सभी भाग हमने निकाल लिए, लेकिन यहां से ये x का स्क्वायर है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिचुएशन आए तो आपको बाई ऑप्शन चले जाना है। तो इस क्वेश्चन के देखो ऑप्शन कौन कौन से हैं वो मैं लिख देता हूं। तो 4, 7, 8, 6 इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हैं, 4 ए ऑप्शन पे दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 6 दिया है, ये इसके 4 ऑप्शन दिए हैं भैया। चारों ऑप्शनों से चेक कर लेंगे, जिस ऑप्शन से आंसर आ जाएगा वही करेक्ट है। तो पहले तो बराबर कर लो, 350, 4x, 400 और इसको सबको पहले बराबर कर लेते हैं। तो पहले बराबर करके एक इक्वेशन बना लेते हैं, फिर उसके बाद कर लेंगे। तो देखो मैं इसको हटा देता हूं, इधर से क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिया, इसको हटा देता हूं। अब बस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन है। तो देखो यहां पर दोनों वैल्यूज को हम बराबर रखेंगे, तो यहां पर कितना है 350, ये वाली वैल्यू कितनी है भैया, 350% का मान बराबर होगा कितने के, 4x% और प्लस 400% और माइनस, इसको अलग रहने दो, x² + 18 इसको अलग रहने दो, इससे कोई मतलब नहीं है, पहले इन चीजों को। तो 400 को इधर लेके आएंगे और 4x को इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव आएगा, इसलिए इसको इधर लेके आओ। तो इसको इधर लेके आते हैं, नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, x² + 18 की वैल्यू बराबर हो जाएगी, 350 को इधर लेके जाएंगे तो 50 बचेगा, 4x + 50 के, ये हो गया। अब इसके बाद यहां से बस ऑप्शन सॉर्ट आउट करके देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन पे कितना है, 4 है, तो 4 को पुट करके देखें, तो 4 × 16 = 8 और ऐसे यहां करेंगे, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, 4 का जब मैं यहां पर ए ऑप्शन पुट कर रहा हूं, देखते चलना, 4 ऑप्शन पुट कर रहा हूं, 4 ए ऑप्शन 4 पुट करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा और पीछे 8 है, तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 4, लेकिन यहां पे आएगा 6, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही बी ऑप्शन लेते हैं, बी ऑप्शन पे कितना है, 7, 7 × 7 = 49, 9 आएगा, 9 × 8 = 70, तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 49 × 9 = 70, यूनिट प्लेस पे 7 आएगा, 7 × 28 = 8 यहाँ 8 आएगा, इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं होता। पहले आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं करना, केवल यूनिट प्लेस देख लेना है। 8 को पुट करके देखते हैं, 8 को रखेंगे तो 8 × 2 = 64, 8 × 4 = 12, यूनिट प्लेस पर 2 आएगा और 8 × 32 = 2 आ रहा है, इसका मतलब यहां से भाई यूनिट प्लेस तो सही है। 8 को रख के देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 + 18, वैल्यू बराबर हो जाएगी 8 × 32 + 50, तो ये 18 को इसमें जोड़ेंगे, 8 × 4 = 12, 2 × 8 = 82 और इधर भी कितना आ रहा है 82, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से कुछ विद्यार्थियों के माइंड में ये डाउट आता है कि सर अगर हम ऑप्शन से ना करें तो कैसे करें, तो फिर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसे सॉल्व करना पड़ेगा और उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, मात्र इसमें नहीं, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो आपको तुरंत ऑप्शन पे चले जाना है और वैल्यू पुट करके देख लेनी है, जो वैल्यू से वो सेटिस्फाई हो रहा होगा वही क्वेश्चन का आंसर होगा। मैंने आपको 4 से 7 से 8 से 6 से 7 से, और जल्दी से जल्दी चेक कैसे करें, उसके लिए पहले मात्र यूनिट प्लेस चेक करें, मात्र यूनिट प्लेस चेक करें। जैसे मैंने 4 का चेक किया था तो पूरा नहीं करके देखा, केवल 4 × 16 पीछे देख लिया, 6 आ रहा है, यहां 8 आ रहा है, तो 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14, 4 आएगा यूनिट प्लेस पर। लेकिन जब मैं यहां 4 रख रहा था तो 16 और 50, तो 6 आ रहा था, यूनिट प्लेस मैच नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये आंसर गलत है। फिर जैसे ही मैंने 8 लिया तो यूनिट प्लेस मैच किया, फिर उसको पूरा भी करके देखें, क्योंकि जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है दो ऑप्शनों से यूनिट प्लेस सेम आ जाए, इसलिए पूरा भी करके देखना है। पूरा करने पर भी वो बराबर आया, इसका मतलब मेरा ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलें नेक्स्ट। तो चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन, आपको बोर्ड पर दिखने लग गया होगा और मैं पढ़ के बता देता हूँ पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन को पहले समझा करो, देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ₹5 प्रति वस्तु के हिसाब से 500 वस्तुएं बनाता है। वह वस्तु का विक्रय मूल्य इस तरह अंकित करता है कि यदि केवल 400 वस्तुएं बेची जाए तो उसे 20% का लाभ हो, जबकि 80 वस्तुएं खराब हो जाती हैं और वह इस वस्तु पर केवल 420 वस्तुएं ही बेच पाता है, इस मूल्य पर केवल 420 वस्तुएं ही बेच पाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। भाग वाले टाइप पर आधारित आज की क्लास के पांचों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, इससे टफ क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आ सकता। आज मैंने इसीलिए छांट के पांच क्वेश्चन उठाए हैं और भाग वाले टाइप में पहले में इजी और बढ़िया बिल्कुल बेसिक से आपको पहली क्लास में करा चुका हूं। ये दो क्लास आप पढ़ लो तो इस टाइप में आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये जो आज की क्लास वाले हैं। तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों आज के इस पांचवें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रकार के टाइप पढ़ेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्या कह रहे हैं, ₹5 प्रति वस्तु के हिसाब से इसने 500 वस्तुएं खरीदी। एक व्यक्ति ने 500 आर्टिकल्स खरीदे, 500 आर्टिकल्स खरीदे और भाव जो है वो है ₹5 प्रति आर्टिकल के हिसाब से, ₹5 प्रति आर्टिकल के हिसाब से उसने 500 आर्टिकल खरीदे हैं। फिर कह रहा है वह वस्तुओं का विक्रय मूल्य इस तरह अंकित करता है कि केवल 400 वस्तुएं बेची जाएं तो 20% लाभ हो। ये वाली बात समझने वाली है, वो मार्क पैज ऐसे अंकित करता है कि 400 आर्टिकल बेचने पर 400 आर्टिकल बेचने पर ही उसे 20% का लाभ हो जाता है। ये कह रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। 20% हो जाता है लाभ हो जाता है, या 80 वस्तुएं खराब हो जाती हैं, बाद में उसे केवल 420 वस्तुएं ही बेचनी है, उसी भाव पर बेच रहा है 420 वस्तुएं, तो लाभ परसेंट बताना है। ये क्वेश्चन हमने समझ लिया बहुत अच्छे से। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझेंगे, एक बार और समझा देता हूं। 500 आर्टिकल ₹5 प्रति आर्टिकल की दर से उसने जो है खरीदे हैं, वो उनका मार्क प्राइस ऐसा अंकित करता है जो 400 आर्टिकल बेचने पर ही उसे 20% का लाभ हो जाए। तो 420 आर्टिकलों को अगर वो उसी रेट पे बेचे तो उसे लाभ परसेंट कितना होगा, ये पूछा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, भाग वाले टाइप से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखो क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार चाहे डिफरेंट कितना भी हो, अगर आपने लाभ हानि के कंसेप्ट को समझ लिया होगा तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपसे बचेगा नहीं। देखो 500 आर्टिकल 5 की खरीद, तो क्या मैं इसका टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं? मैं ये पता कर सकता हूं कि उसको टोटल आर्टिकलों की खरीद कितनी पड़ी है, तो टोटल सीपी निकालेंगे तो 2500, 500 आर्टिकल मल्टीप्लाई 5, तो टोटल ₹2500 का उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बात को भाई बिल्कुल ध्यान से समझते चलना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि मार्क प्राइस ऐसा अंकित करता है कि 400 आर्टिकल पर ही उसको 20% का लाभ हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं सेलिंग प्राइस निकाल लूं, कि 20% के लाभ के लिए सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 20% लाभ के लिए सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस है हमारा 2500 और 20% लाभ का फ्रैक्शन बनेगा 6/5, तो 6/5 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो ये 500 बार कट जाएगा, मल्टीप्लाई 6 = 3000। इसका मतलब इससे ₹3000 मिलेंगे तो इसको 20% का लाभ होगा, और ₹3000 में आर्टिकल भी पूरे 500 नहीं बेचेगा, आर्टिकल कितने बेच रहा है 400, तो इसका मतलब एक आर्टिकल का मार्क प्राइस पता कर सकता हूं मैं, कैसे, ₹3000 में उसने आर्टिकल बेचे हैं और कितने बेचे हैं 400 आर्टिकल बेचे हैं, तो एक आर्टिकल पे कितने रुपए अंकित किया ये निकल के आ जाएगा। तो ₹3000 की इसकी बिक्री है और आर्टिकल बेचे हैं इसने केवल 400, तो एक आर्टिकल कितने का सेल किया ये पता लग जाएगा यहाँ से, 4/7 = ₹7.5 इसने मार्क किया है एक आर्टिकल पर, ठीक है। अब इसी मूल्य पर ये 420 आर्टिकल बेच रहा है तो इसका लाभ परसेंट बताना है। तो देख लो इसी मूल्य पर 420 आर्टिकल बेचने पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस फिर से निकालेंगे नया,
नया सेलिंग प्राइस कितने आर्टिकलों का, 420 आर्टिकलों का निकालेंगे 7.5 के भाव से। इसने यही कहा है 7.5 के भाव से नए आर्टिकलों का हम प्राइस निकालेंगे कितना बनेगा। तो 7.5 के हिसाब से निकाल लो तो देखो कितना बनेगा भाई, कितना बनेगा ये सीधा बन गया, 7 का मल्टीप्लाई कर लो पहले तो 0, 7, 2, 14, 4, 1, 7, 6, 28, 2940 रुपए तो 7 के भाव से बनेंगे, और 0.5 के हिसाब से बनेंगे 210 रुपए। ठीक है, तो यहां से करेंगे तो कितने बन जाएंगे 200 और 2931, 3150 रुपए। इसका मतलब इसका टोटल सेलिंग प्राइस 3150 रुपए ही बनेगा। अब बाद वाला अगर वो 420 आर्टिकल बेचेगा तो सेलिंग प्राइस 3150 बनेगा और कॉस्ट प्राइस कितना है 2500। तो अब नया लाभ परसेंट हमें इसने पूछा है कि नया लाभ परसेंट उसका क्या होगा। तो देखो नया लाभ परसेंट कितना होगा, मैं इसको थोड़ा मिटा लूं फिर बताता हूं। तो देखो नया लाभ परसेंट निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस 2500 था, कॉस्ट प्राइस 2500 था, 500 आर्टिकलों का 80 आर्टिकल खराब हो गए तो उनसे तो कोई मतलब है नहीं, वो तो गए। 400 टोटल उसको सेलिंग प्राइस में कितने रुपए मिल रहे हैं, उसको 3150 रुपए मिल रहे हैं, तो लाभ कितने का हो गया। तो आप कहेंगे सर 650 का लाभ हो गया, कितने पर कहेंगे तो 2500 पर हो गया और मल्टीप्लाई 100। तो यहां से हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, 25 से कैंसिल कर लो भैया इसको, तो 25 दूनी 50 और 25 छिंगे 150, इसका मतलब उसका लाभ हो जाएगा 26%, उसका लाभ हो जाएगा 26%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 26% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है भागवाला टाइप में आ गया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था, है डिफरेंट है, आर्टिकलों को अलग अलग जो है, जैसे 500 आर्टिकल उसने खरीदे थे 400 को सेल कर रहे हैं, ऐसे करके मार्क प्राइस पर आधारित है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, तो डिफरेंट तरीके से ही मैंने इसको किया। मैंने क्या किया, टोटल सीपी निकाल लिया पहले, फिर उसके बाद टोटल एसपी निकाल लिया 20% लाभ का, लेकिन 400 आर्टिकल बेच रहा था तो एमपी आ गया एक आर्टिकल पर कितने, फिर वो कह रहा है इसी भाव पर 420 आर्टिकल बेचने हैं तो टोटल से एसपी उसको 3150 मिलेगा। 2500 रुपए की खरीद के बाद उसको 3150 मिले तो लाभ हो गया, कितने का हो गया 650 का, कितने पर सीपी 2500 पर मल्टीप्लाई 100, आंसर आ गया 26%। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हमने भाग वाले टाइप पर बहुत ही अच्छे अच्छे 5 क्वेश्चन देखे, इसके आगे वाली क्लास में चलेंगे लाभ हानि में, और एक नए टाइप के साथ में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, सही रहें, स्वस्थ रहें।